हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस बवर जी। आज हम बनाएंगे मटर से रगड़ा चाट। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मटर ले लिए हैं और इन्हें ओवरनाइट भिगाकर रख दिया है। दो आलू ले लें मीडियम साइज के और उसे छील लें। चार मीडियम साइज टमाटर ले लें और उसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बना लें। मीडियम साइज दो प्याज ले लें और उसके भी इस तरीके से छोटे से टुकड़े बना लें। 100 ग्राम सेब ले लें। एक मुट्ठी हरा धनिया ले लें। होल गरम मसाला ले लीजिए, इसमें दो इलायची हैं, चकला है, 2 टीस्पून शाहजीरा और 2 लौंग ले लें। और दूसरे मसालों में 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ले लें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लें, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें और टेस्ट के हिसाब से नमक ले लीजिए। और सबसे पहले हम ये जो भिगे हुए बटाने हैं, बिरयानी के बटाने मटर, उसे हम कुकर में ऐड कर लेंगे। और इसी में हम ये छिले हुए आलू टुकड़े करके कुकर में ऐड कर देंगे। और 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दें। इसी में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे स्टोव पर रख देंगे। कुकर की सीटी लगा दें और 2 से 3 विजिल्स आने तक इसे पकने के लिए छोड़ दें। देखिए, 3 सीटी में परफेक्टली जो हमारे बटाने हैं, मटर और ये आलू, अच्छी तरीके से गल चुके हैं। स्टोव पर पैन रखें और उसे गर्म होने दें। और पैन गर्म होने के बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। जो हमने प्याज ली थी उसमें 1/2 क्वांटिटी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम सॉटे कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखें और इस प्याज को सॉटे कर लें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे और दोबारा से मिक्स करके इसे और थोड़ा पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरीके से इसे पकाएं। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। जो हमने लिए थे उसमें से 1/2 क्वांटिटी टमाटर ऐड कर दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हुए पकाएं। टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से भुने जाने 5 मिनट इसे इसी तरीके से पकाएं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें और मिक्स करके अच्छी तरीके से सॉटे करते हुए पकाएं। प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम जो हमने पका लिया था, बॉईल कर लिया था मटर और आलू, पानी के साथ ही इसे ऐड कर देंगे और उसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पर रखें और उसे पकाएं। और मैशर की मदद से हम आलू और मटर को पकते वक्त ही इसी तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करें और 5 मिनट इसी तरीके से पका लें। और अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं और पकाएं। क्योंकि ठंडा होने के बाद रगड़ा थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है तो हमें इसे सेमी लिक्विड में रखना है, तो इसी तरीके से 1 गिलास ज़रूरत पड़ने पर पानी ऐड करें और पकने के लिए 5 मिनट तक छोड़ दें। अब हम इसमें जो होल गरम मसाला लिया था उसे मैंने पाउडर कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि जो मसाले हैं और हरा धनिया है इसमें अच्छी तरीके से पक जाए और उसके फ्लेवर्स छोड़े। ये जो हमारी रगड़ा चाट है
परफेक्टली बन के रेडी हो चुकी है। स्टोव ऑफ करें, अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हम सर्विंग प्लेट में ये जो है सो रगड़ा ऐड कर देंगे। रगड़ा ऐड करें, बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल में मैंने रगड़ा बनाया है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें। और इस पर हम थोड़े से कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी कटी हुई प्याज ऐड कर दें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें और जो हमने सेव लिया था बाजार से वो सेव भी इसमें ऐड कर दें। ऑलरेडी मैंने सेव की रेसिपी शेयर की है, आप लिंक में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। और उसके ऊपर दोबारा से थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फाइनली थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे हम, इससे थोड़ा खट्टा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, चटपटा टेस्ट। देखिए जबरदस्त स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए कंपलसरी बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।